नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अभी हम बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि को देखिए, संघं शरणं गच्छामि जब हम कहते हैं तो हमें सारनाथ जी भूमि है उसको हमें स्मरण करना चाहिए, जहां पे संघ की निर्मिति हुई। भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, अनत्त लक्खन सूत्र देते हुए सभी भिक्षु अरहंत पद को प्राप्त हो गए। अरहंत होने के बाद उन भिक्षुओं को अलग अलग दिशाओं में भगवान ने भेजा धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उस धम्म का प्रचार प्रसार से अभी तक हमें धम्म संघ की वजह से प्राप्त हुआ है। जब भगवान कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए, उसके बाद में प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति, चतुर्थ संगीति, इस प्रकार से जो धम्म को संचित करते हुए यहाँ तक के लिए आए, ऐसे संघ को में साधुवाद देना चाहिए। ऐसे संघ को हम स्मरण करना चाहिए, जिस संघ के पुण्य बल से इस धम्म को हमें प्राप्त हुआ है। उस धम्म के मार्ग पे चलने के लिए हम प्रयासरत हैं। इस धम्म के मार्ग पे चलते चलते हम एक दिन अरहंत पद को प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने संघ की निर्मिति नहीं की होती तो आज हमें ये धम्मा नहीं मिला होता। जब हम संघों को देखते हैं तब हम सारनाथ में क्या क्या उपदेश दिया उसको देखते हैं, उसके बाद में किस प्रकार से संघ है उसको देखते हैं। संघ निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए? संघ निर्माण करने के लिए मैत्री और सत्य इसकी बहुत जरूरत होती है। अगर हमारे मन में मैत्री नहीं होगी तो हम संगठित नहीं हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम सत्य नहीं बोलेंगे तो हमारे में वाद विवाद होते चले जाएंगे। संघ को बरकरार रखने के लिए मैत्री की बहुत जरूरत होती है। जैसे हमारे परिवार को संगठित करना है, एकत्रित करना है, तो हमारे परिवार में अगर मैत्री नहीं रहेगी तो हमारे घर में झगड़े हो जाएंगे, एक दूसरे से लड़ाई हो जाएंगी, तो हम सब एकत्रित नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार से हमारे परिवार में हम सत्य को नहीं बोलेंगे, किसी बात को छुपाते हुए बोलेंगे, किसी बात को झूठ बोलेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, तो हमारे घर में एकत्रित नहीं रह सकते, घर में वाद विवाद होते जाएंगे।
दूसरी बात, जैसे हमारे घर पर मैत्री और सत्य रहने से हमारे घर में सभी लोग एक दूसरे से मिलके रहते हैं। तो जहां कहीं पर एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच ऐसे व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, उसके लिए उसी को बोलते हैं संघ, उपासक का संघ, उपासिका संघ, विश्व संघ, विश्वनी संघ। तो संघ की निर्मित करने के लिए भगवान ने मैत्री दिया, उसके बाद में सत्य दिया। अगर हम मैत्री और सत्ता नहीं रहेंगे तो हमारे विश्व संघ में झगड़े होंगे, वाद विवाद होंगे, एक दूसरे से लड़ाइयां होगी। लड़ाई होने से संघ आगे नहीं बढ़ सकता, संघ एकत्रित नहीं रह सकता। तो हमें संघ के प्रति ऐसी श्रद्धा रखते हुए हमें जानना चाहिए कि जो भिक्षु संघ है वो संगठित है मैत्री और सत्य की वजह से, उनके गुण मेरे में कैसे आए। मेरे में तो अगर आ जाएंगे तो मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे परिवार में, समझो हमारे कम्युनिटी में, जब तक हमारे मन में सभी समाज के लगे, सभी परिवार के सभी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के प्रति अगर मैत्री नहीं रहेगी तो मैं इस सभी की तरफ संगठित नहीं हो पाऊंगा, मेरा बल नहीं बढ़ेगा। मेरे में अगर सत्य है, हमारे परिवार में सत्य है, हमारे समाज में सत्य है, तो हमारा सब समाज ये एकजुट होकर रहेगा। हमारे समाज में आज हम जब समाज को देखते हैं तो समाज में मैत्री भावना नहीं है, दूसरा है सत्य भावना नहीं है, इसीलिए हमारे समाज में झगड़े होते रहते हैं। जब ये चीजें हमारे अंदर में आ जाएगी, मैत्री और सत्य, तब हम जो कहेंगे, हमारे बातों को सत्य सत्य मानते हुए लोग भी चलेंगे। जब दूसरे समाज के लोग जब हमें देखेंगे तब उनमें श्रद्धा जागेगी कि इनमें कितनी मैत्री है, कितनी करुणा है, कितने सत्यवादी लोग हैं, और हम कितने झूठ बोलते हैं, बातों बातों में झूठ 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 बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा पता करते हैं। और ये बुद्ध के शिष्य है, संघ है, वो मैत्री और सत्य से रहते हैं, संगठित रहते हैं, एक दूसरे में किस मैत्री करुणा से रहते हैं, वैसे भाव हमारे में आ जाए। जब हम मैत्री भावना करते हैं तब सभी समाज के लोग हमारे तरफ खींचे आते हैं। तो संघों को टिकाने के लिए मैत्री और सत्य का बहुत जरूरत है। मैत्री और सत्य को प्राप्त करने के बाद में विश्व संघ जो प्रैक्टिस क्या किया, अरहंत पद को प्राप्त करने के लिए जो भगवान ने उपदेश दिया है, जिस प्रकार भगवान ने प्रैक्टिस किया है, उस प्रैक्टिस पे संघ के सदस्य चलते हैं। चलने की वजह से वो बोधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बोधि ज्ञान को प्राप्त करते हुए वो अनंत पद को प्राप्त करते हैं। अनंत पद को प्राप्त करने से वो बुद्ध हो जाते हैं। जैसे इस संघ में तीनों गुण हैं, बुद्ध के गुण हैं, धम्म के ही गुण है और संघ के गुण है। जो चीवर में है उस संघ में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है इसका मतलब उनकी पूरी पूरी श्रद्धा बुद्ध के ऊपर है, उनके धम्म के ऊपर है, और उन्होंने बुद्ध धम्म के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे संघ को मैं शरण जाना चाहिए। अगर
भगवान ने इस संघ की निर्मिति नहीं की होती तो आज मुझे धम्म नहीं मिला होता। इसलिए मुझे ऐसे संघ को वंदन करना चाहिए। इस संघ की शरण। अभी हम देखते हैं कि हमारे परिवार समाज में संघ के प्रति श्रद्धा नहीं है, बहुत कम श्रद्धा है। तो हमें समझना चाहिए कि हम बुद्ध धम्म संघ की शरण गए हैं, तो मुझे संघ को अनुमोदन करना ही पड़ेगा। जैसे ही मेरे एरिया में जो भी भिक्षु है, जो भी विहार है, विहार में जो भिक्षु रहते हैं, उनको जाके मैं वंदन करूं, क्षमा याचना करूं, शील ग्रहण करूं, उनको दान दू, उनसे धम्म श्रवण करूं। मेरी संघ के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो मैं विश्व को देखने के बाद मैं वंदन नहीं करूंगा, उनको दान नहीं दूंगा, उनसे क्षमा याचना नहीं करूंगा, शील ग्रहण नहीं करूंगा, धम्म को धारण नहीं करूंगा। ये हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो जब हम देखते हैं कि ये धम्म गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ तक आया है, संघ के बल से, अगर भगवान के संघ में बोधि ज्ञान प्राप्त भिक्षु नहीं होते तो ये धम्म यहाँ तक नहीं आता है। इसलिए मैं पूरी श्रद्धा के साथ संघ को शरण जाता हूं। फिर कोई भिक्षु हमारे एरिया में आता है तो हमें उसको वंदन करके उनको हालचाल पूछना चाहिए। पूछने के बाद हमारे जो विहार में है, तो विहार में हमें कैसे कैसे भिक्षु मिलेंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा ज्ञानी नहीं है, वो भिक्षु मिलेंगे, पर वो भिक्षु संघ में प्रवजित है। जैसे हमें अभी पीएचडी करना है, पीएचडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, पीएचडी प्राप्त करना है, उसके लिए हमें पहले तो पहले स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। जब तक हम पहली कक्षा में नहीं जाएंगे तब तक हम दूसरी कक्षा में नहीं जा सकते, तीसरी कक्षा में नहीं जा सकते, 10वीं 12वीं नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, है ना, पीएचडी नहीं कर सकते। तो हमें इस चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो समाज में जो भिक्षु है, जो भी है, वो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, वो सही धम्म नहीं बताते हैं, वो संघ में नहीं प्रतिष्ठित है, कुछ गलत करते हैं। बहुत सारे समाज में, हमारे समाज में वो धारणाएं हैं, इसके वजह से हमारी श्रद्धा टूट जाती है। फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो टीचर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाता है, क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड के टीचर के पास में जो बुद्ध बने हैं, जो अनंत प्राप्त भिक्षु है, उनके जैसा ज्ञान है क्या? नहीं है, पर उन्होंने बुद्ध धम्म संघ की पूरी पूर्ण शरण जा गए हैं। उन्होंने घर संसार को त्याग किया है, माँ बाप को छोड़ा है, भाई बहन को छोड़ा है, पति पत्नी को छोड़ा है, संपत्ति का त्याग किया हुआ है और विश्व संघ में प्रतिष्ठित हुए हैं। आज उन्होंने चीवर धारण किया हुआ है। चीवर धारण करने के लिए उनको इस सब चीजों को त्याग करना पड़ता है। त्याग किया है, इसका मतलब है मेरे से एक कदम आगे गए हैं। आगे जाके वो विहार में रहते हैं, जिस प्रकार के उसके पास में ज्ञान है, वो ज्ञान को हमें सीखना चाहिए। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो उससे आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी आज भी तृष्णा परिवार के प्रति है, पति पत्नी के प्रति है, बेटा बेटी के प्रति है, माँ बाप के प्रति है, पैसों की आसक्ति है, इस सब कुछ आसक्ति मुझे लगी हुई है। अगर उस विषय को कुछ पढ़ाना नहीं आता है फिर भी उसके मन में त्याग है, उस त्याग को हमें स्मरण करना चाहिए।
जब हमारे भाव हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि ये सही में भगवान बुद्ध का शिष्य है, भिक्षु है, उनके पास में इतना त्याग है, तब जाके हमें उससे कुछ शब्द सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब इच्छा उत्पन्न हुई तो हम ऐसे विहारों में जाएंगे, ऐसे भिक्षु के पास जाएंगे, तो उसके पास में जाने के बाद में हम नहीं कुछ उसको आता है, नहीं दम आता है, नहीं कुछ बताना आता है, फिर भी हम उनको ये पूछ सकते हैं कि आपने इस गृह संसार की इच्छाओं को कैसे आपने तोड़ दिया है, किस तरीके से आपने प्रयत्न किया, किस रास्ते पे आप चले, और किस रास्ते पे चलते हुए ये आपकी तृष्णाएं को आपने त्याग कर दी। भले ही वो PhD नहीं है, 10वीं नहीं है, 12वीं नहीं है, अनपढ़ है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो कॉलेज की पढ़ाई है। ये पढ़ाई जो है ये निसर्ग की पढ़ाई है, निसर्ग के नियम से चलते हैं। विश्व क्या है? निसर्ग के नियम से चलते। तो निसर्ग का नियम हमें ये सिखलाता है कि हमारी इच्छाओं को कैसे तोड़ना। तो उन्होंने जब ये सब चीजों को तोड़ा, इसका मतलब है उन्होंने उस रास्ते पे चले, उस रास्ते पे चलते हुए अपने परिवार की सभी जिम्मेदारों को त्याग कर दिया, त्याग करके प्रोजित उनके पास में हमें उतना ही ज्ञान मिलेगा। ठीक है, उनके पास में शील है, चीवर है, तो हम ऐसे विश्व के पास में वंदन करके हम शील ग्रहण कर सकते हैं, जो भी थोड़ा पार ज्ञान है उसको हम पूछ सकते हैं, जो भी वो प्रैक्टिस करता है वो हमें जरूर बताएगा, और बताने के बाद में हमारी वो तृष्णा टूट जाए। फिर हम जाएंगे सेकंड स्टैंडर्ड में, जब हम 1 साल प्रैक्टिस करेंगे, 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद में हमारे मन में ऐसा उत्पन्न होता है कि इस भिक्षु के पास में इतना ही ज्ञान है, तो मुझे और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए के लिए हमें ढूंढना पड़ता है सेकंड स्टैंडर्ड का टीचर, है ना, सेकंड स्टैंडर्ड का टीचर ढूंढना। उसी प्रकार हम विश्व को भी ढूंढते हैं, तो इससे और प्रज्ञावान टीचर कौन सा है, तो हम दूसरे स्टैंडर्ड में जाते हैं, उनके पास में और ज्यादा ज्ञान है, तो उसके पास में जाके हम और ज्यादा ज्ञान संग्रह करने का प्रयत्न करते हैं। वैसा करते करते हैं, उससे आगे का टीचर को ढूंढते हैं, और कौन से विश्व है इस काल में, उनके पास में जाके मैं और शिक्षा ग्रहण करूँ, वो शिक्षा ग्रहण करके उस प्रकार से मैं प्रैक्टिस करूँ, तो हमारी जो प्रैक्टिस है और बलवत्तर हो जाती है। ऐसा हम हमें करना चाहिए, जितना जितना हमारे में प्रज्ञा डेवलप होगी। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का टीचर है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का टीचर के पास में हमने कभी पढ़ाया ही नहीं है, तो हमें सेकंड स्टैंडर्ड का टीचर हमें नहीं मिल सकता है, और वो पढ़ाएगा भी हमें नहीं समझ सकता है, क्योंकि हमने पहली ही सीढ़ी पार नहीं की। पहली सीढ़ी जो हमारी सील की है, तो सील हमें वो फर्स्ट टीचर से हमें मिलते जाएंगे, तो रोज रोज हमारे सील क्या हो गए, परिशुद्ध हो जाए। फिर ऐसे करते करते हमें और अच्छे टीचर मिल जाते हैं, फिर हम 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं, 10th स्टैंडर्ड में और डिफिकल्ट, उसके पास में एक ग्रंथ का ज्ञान होगा, चाहे कभी उनके पास में जातक का ज्ञान होगा, है ना, धम्मपद का ज्ञान होगा, किसी के पास में मझिम निकाय का ज्ञान होगा, किसी के पास में अनुत्तर निकाय का ज्ञान होगा, है ना, ऐसा ऐसे टीचर हमें मिलते जाएंगे, किसी के पास में एक बोस का, दो बोस का ज्ञान होगा, तो उतना हमें सीखने को मिलेगा, उसके पास में से एक दो सूत्र मिलेंगे, वो सूत्र पढ़ के हम उसके ऊपर में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे करते करते हम 10वीं 12वीं करते हैं, और हमें हमें वो चेतना, हमारे पास में इतना ज्ञान है और हमें उस ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, और उस ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ऐसे ऐसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते हम 12वीं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद में हम और ढूंढते हैं PhD वाले कौन है ना, हमें MA करना है, PhD करना है, तो उस प्रकार से टीचर ढूंढते हैं। तो विश्व संघ में इस प्रकार के टीचर अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है, कल भी थे, है ना, कल भी रहेंगे, फ्यूचर पास्ट में भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, इस प्रकार से टीचर मिले, लेकिन हमारे पास में उतना ज्ञान नहीं होने की वजह से हम ऐसे टीचर को नहीं मिल सकते। तो इतना हमने कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो अभी PhD वाले हमारे टीचर चाहिए, है ना, तो PhD वाले टीचर चाहिए, तो हम ऐसे ढूंढते ढूंढते हमारी प्रज्ञा एकदम प्यूरिफाई, हमारे प्रज्ञा और बढ़ जाएंगे, बढ़ने के बाद में हम उस प्रज्ञा के लेवल से हम सोच सकेंगे किस टीचर, किस विषय के पास में क्या ज्ञान है, किस विषय के पास में क्या ज्ञान है, इसको हम जानने जान सकेंगे, तो मेरे जो बीमारी है मेरे को क्या ज्ञान चाहिए, ऐसे टीचर के पास में हम जाएंगे। ठीक है, सिटी से हम गांव से हम सिटी जाते हैं, सिटी से हम बड़े सिटी में जाते हैं, बड़े सिटी से विदेश में जाते हैं, तो हमारे को श्वेतापन्न, सद्गामी, अनागामी, अरहंत टीचर मिल सकते हैं, इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा
जो संघ है वो हमें मिलते जाता है, तो हमें संघ की शरण जाना है। तो संघ के पास में सब कुछ धम्म है ना, तो ऐसे संघ के ऊपर हम श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। तो श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार से हम संघ की शरण जाते हैं। संघ की शरण जितना जितना हमारे संघ की शरण बढ़ेगी उतनी उतनी हम धम्म में भी प्रतिष्ठित होते जाएंगे। जैसे जैसे हम धम्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे वैसे हम बोधि ज्ञान को हम प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो हमारा समाज में इस प्रकार से संघ को शरण जाना चाहिए। हम जाके हमारी संघ को शरण हो जाएगी, फिर हम है ना इसी प्रकार से इतना ही है ना। इस प्रकार से आपको संघ की शरण जाना। अभिवादन सी रस निचंग वड्डा पचानो सत्तारो धम्मा वड्डंती आयु वन्नो सुखं बनंती। साधु साधु साधु।